बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले ही एक शख्स ने सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद इस अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। लेकिन इस मामले में एक अच्छी खबर सलमान के लिए सामने आ रही है। सलमान खान को फोन पर जान से मार डालने की धमकी देने वाला शख्स पुलिस के हाथ चढ़ गया है। खबर के मुताबिक यह शख्स उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। मुंबई पुलिस ने इस शख्स को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। मुंबई पुलिस अब इसे कोर्ट में पेश करेगी। पुलिस ने इस शख्स से काफी पूछताछ की है। पुलिस ने इस शख्स पर कार्रवाई करते हुए इसे अपनी हिरासत में ले लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सलमान खान के पीए ने मुंबई पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि एक शख्स ने सलमान को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। सलमान खान ने इस शख्स को काम नहीं दिया था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। इसके बाद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। अब ये शख्स पुलिस की हिरासत में है। दोस्तों, बड़े बड़े नामवंत सितारों के साथ ये सब होना, फोन पर धमकियां आना एक आम बात है, पर सलमान खान को जान से मारने की धमकी सुनकर आपको क्या लगता है? क्या ये सच में हो सकता था या फिर सिर्फ एक कॉल ही था? आपको क्या लगता है? हमारे साथ शेयर करें आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आप बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही खबरें सबसे पहले पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आपका अपना चैनल स्पीड न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें।